तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अच्छी वीडियो में। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी अपना एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ करते हो, जब भी अपने फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का ट्राई कर रहे हो, आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम शो करती है, पैकेज इंस्टॉल कीप स्टॉपिंग। आज के मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रॉब्लम कैसे जो है आप ठीक कर सकते हो। तो लेकिन जान लेते इस प्रॉब्लम क्या सोल्यूशन है। सबसे पहले आप क्या कर लेना है, बैक आना है। बैक आने के बाद अब यहाँ पर आप क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। और जैसे प्ले स्टोर को ओपन करोगे, आपको ऊपर अपनी ई मेल एड्रेस जो प्रोफाइल पिक्चर ये मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ये बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, हमें क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। जैसे सेटिंग पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पर गाइस हमें बैक आना है। बैक आने के बाद दोबारा इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा प्ले प्रोटेक्ट, ठीक है। प्ले प्रोटेक्ट की एक सेटिंग मिल जाएगी, अगर आपको यहाँ नहीं मिलती तो आपको सेटिंग में मिल जाएगी, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर आप क्या करना है, ऊपर स्टोरी सेटिंग का आइकन है, इस पर टैप करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रखे हैं जो कि चालू है, हमें क्या करना है, जो पहला ऑप्शन है उसे बंद कर देना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, आपसे फिंगरप्रिंट या आपका पासवर्ड मांगेगा, डाल दीजिएगा। उसके बाद आप देखिए ये आपका बंद हो चुका है, ठीक है। जैसे ऊपर वाला करोगे नीचे वाला ऐप बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी ऐप को इंस्टॉल करके देखना है, ठीक है, आपकी ऐप इजीली इंस्टॉल हो जाएगी। अब मैं इसे फिर से चालू कर लेता हूँ, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर जैसे आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाए, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी ऐप इंस्टॉल नहीं होती तो क्या करिएगा, इस फ़ोन की सेटिंग में आइए। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करिएगा, आपको ऐप्स में आना है। ऐप्स में आने के बाद यहाँ पर आपको मैनेज ऐप्स में आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे आओगे, आपको सर्च कर लेना सिंपली पैकेज इंस्टॉलर। अब यहाँ पर कुछ फ़ोन में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ऊपर आपको थ्री डॉट देखने को मिल रही है, इस पर टैप करिएगा। यहाँ पर आपको देखिए हाइड सिस्टम सर्विसेज कर देता हूँ मैं। अब देखिए आपके फ़ोन में इस तरह से इंटरफेस आएगा, आपके घर ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है और आपको मिलेगा शो ऐप्स का ऑप्शन, ठीक है। अब कुछ फ़ोन में शो ऐप्स का नहीं होता, क्योंकि उनमें पहले से सारी ऐप लोड हो रखी होती है। आपको शो ऐप्स कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, पैकेज इंस्टॉलर लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे पैकेज इंस्टॉलर आ चुका है। यहाँ पर दोनों पैकेज इंस्टॉलर हमें क्या करना है, यहाँ पर पैकेज इंस्टॉलर कोई भी ओपन करना है, ठीक है। आपके करने अब स्टोरेज पे आ जाना है, स्टोरेज पे आने के बाद क्लियर ऑल डेटा कर देना होगा। जैसे करोगे जो दूसरा वाला है इसका भी आपको कर देना है, अगर आपके फ़ोन में एक है तो उसका ही कर देना आपको, ठीक है। कहीं जैसे आप ये काम कर लोगे, ये काम करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद पावर बटन दबाना है, फ़ोन के यहाँ से रिबूट या फिर रिस्टार्ट कर लेना। जैसे आपका फ़ोन यहाँ पर ऑन होगा और आप देखोगे कि जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी सॉल्व हो जाएगी। अब गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि हमें अगला सोल्यूशन क्या करना है, अगर आपकी फ्री प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो उसके लिए आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर में आना है। यहाँ पर गाइस हमें सर्च करना होगा जेड अचीवर। अब यहाँ पर गाइस हमें क्या करना है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। जैसे इंस्टॉल करोगे आपको ओपन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर मतलब कि जो भी आपके फ़ोन में यहाँ पर मतलब कोई परमिशन मांगेगा उसे आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है, जैसे परमिशन अलाउ कर देंगे उसके बाद। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि उससे पहले कि आपके फ़ोन में जो स्टोरेज होती है यहाँ पर फुल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब फुल नहीं, मतलब खाली होनी चाहिए थोड़ी बहुत, यानी कि 10-15 GB कम से कम खाली होनी चाहिए। नहीं तो कम से कम भी आपको 5-10 सेकंड तक यहाँ पर जो है 5-10 GB आपको खाली करना है अपने फ़ोन की स्टोरेज, तभी जो है आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम है सोल्व हो पाएगी, ठीक है। अगर फिर भी नहीं होती तो यहाँ पर ये काम आप करना है, अपने जेड रिसीवर ओपन करना है, ऊपर सर्च बार मिलेगा, यहाँ पर आइए APK के ऑप्शन पर क्लिक करिए, देन सर्च कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपके फ़ोन में APK होंगे सब यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये है, अब क्या करेंगे, सपोज के लिए कि आप ड्रीम इलेवन को इंस्टॉल कर रहे थे, आपको उस पर टैप करना है और नीचे इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको सिंपल सिंगल क्लिक करना है, तभी आपके सामने ऑप्शन आएगा। जैसे कर दोगे आपको क्या करना है, सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा आपके फ़ोन में ऐप, और देन गाइस आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले में, तब तक।